उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हंडिया विधानसभा के असड़िया बाजार में होली समारोह कार्यक्रम में पहुंचे भदोही लोकसभा सीट से हिंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बेरोजगार ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग परेशान है। छात्रों नौजवानों पर जिस तरह से भाजपा अत्याचार कर रही है, जनता ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग संतुष्ट नहीं है, उसका हिसाब इस बार जनता करेगी। भाजपा हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। विपद पर जिस तरीके से जांच एजेंसियों द्वारा छापा मारा जा रहा है, ये सारी जनता देख रही है। भाजपा के किसी मंत्री के यहाँ किसी भी जांच एजेंसियों ने छापा नहीं मारा। वहीं उन्होंने कहा कि भदोही लोकसभा सीट पर पिछले 10 सालों से भाजपा के सांसद रहे हैं, लेकिन कोई भी विकास नहीं हुआ है। 10 साल में हुए विकासों का भी विवरण जनता मांग रही है। वर्तमान सरकार में सिर्फ किसान परेशान नहीं है, हर वर्ग किसान वहां पे दूसरी बार धरना दे रहे हैं, और ये दर्शाता है कि ये सरकार गुंगी और बहरी है। सरकारों का किसानों का दर्द, किसानों की दुख क्या है, इसको सुनने के बजाय किसानों के ऊपर गलत छलत आरोप लगाती है ये सरकार, और यही चुनाव में भी करेगी। सारे प्रत्याशियों के ऊपर गलत छलत आरोप लगाएंगी, विपक्ष की पार्टियों के ऊपर गलत आरोप लगाएंगी। अभी आप देखेंगे इस सरकार में कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, कोई भी किसी भी क्षेत्र में रहने वाला आदमी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, और इससे बचने के लिए सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अब ये जब पत्रकार इस बात को मान रहे हैं, जब पत्रकार इस बात को स्वीकार रहे हैं, आपका प्रश्न ही दर्शाता है कि ये सब एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है, पिछले 10 साल से लगातार हुआ है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के यहाँ कभी छोटा सा भी अधिकारी नहीं जाता है किसी जांच में, और विपक्ष के सारे नेताओं के यहाँ 3-4 एजेंसी दिन रात लगी रहती हैं। हम लोग भदोही के जनता का दर्द जान रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ की मांगे बहुत अलग अलग हैं, ये दो जिलों में बटा हुआ सांसदीय क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों में अलग अलग मांग है। उन सारे मांगों को लेके, जैसे सब लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी हो, हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस हो, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, ये तीनों पार्टियों का विचारधारा एक ही जैसे हैं। हम लोग समाज के हर वर्ग, हर समुदाय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और वास्तव में मैं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग जानते हैं। मेरे पर बाबा और मेरे बाबा दोनों लोग अलग क्षेत्र से थे, उनके भी विकास कार्य यहाँ हंडिया में, प्रतापपुर में और भदोही जिले में देखने को मिलते हैं। इस समय तकलीफ इस बात का है कि जो सांसद यहाँ से निर्वाचित होता है, उसका काम उसके सांसदीय क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। तो ये लड़ाई हम लोग को लड़नी है। हम लोग जहाँ गए हैं, जहाँ से भी चुनाव लड़े हैं, ये प्रयास रहा है कि वहाँ के लिए कुछ बड़ा भी काम करें, और जो वहाँ का स्थायी विकास है उसमें भी तेजी लाने का काम करें। मैं क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध करूँगा कि इनके बहकावे में आइए मत। इनके बहकावे में 14 में हम लोग पड़े, कुछ नहीं हुआ। 17 में पड़े, कुछ नहीं हुआ। 19 में पड़े, कुछ नहीं हुआ। 22 में पड़े, कुछ नहीं बदला है। 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। पिछले अगर आप 25 साल को उठा के देखिएगा, 25 साल में लगभग 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, और उनके पास उपलब्धियों गिनाने के लिए शून्य है। हम लोग इस क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सही उम्मीदवार का चयन करिए जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने लायक है। बस यही मेरा इस क्षेत्र की जनता से निवेदन है।